मेरे को एबीएस ज्वाइन करना है, मेरे को पैसा तो मेरे मम्मी कहते हैं चुपचाप में कोई जरूरत नहीं एबीएस बिजनेस करने की। मैंने मम्मी को बिजनेस में बता दिया था तो मेरे मम्मी ने बोला तेरे को कंप्यूटर कोर्सेस करने तो बाहर से करना, लेकिन तेरे को बिजनेस नहीं करना क्यों? आपको पता है हमारे मॉम डैड हमें अभी भी बच्चा ही समझते हैं, तो बच्चा बन गई रहो, घर पे जाके ना दादा बड़ा नहीं बन जाने का कि मम्मी पैसे दे एक साल बाद 32,000 रुपए लाके दूंगा। मैंने घर पे जाके ऐसा ही बोला था, मम्मी 16,000 रुपए एक साल बाद तुमको 32,000 रुपए लाके दूंगा। मम्मी ने एक चीज का सामान मारे के चुपचाप पढ़ाई करके कोई जरूरत नहीं है, 12th की एग्जाम आने वाली है, 12th के अंदर फोकस कर दू। एंड मैं उस समय के ऊपर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, क्या करूँ तो करूँ क्या। अपने दोस्तों को मैंने कॉल लगाना शुरू किया, दोस्तों से मैंने बोला कि यार देख मेरे को ऐसा ऐसा, मेरे को ईवीएस ज्वाइन करना, तो मेरे को पैसे दे, तेरे को एक महीने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरे 5,000 रुपए अरेंज हुए, बाकी के 12,000 रुपए मेरे अरेंज नहीं हो रहे थे। मैंने अपने सोने की चेन बेच के ईवीएस के अंदर डिमांड रहा बनाया था दोस्तों। जब मैं 16 का था, तारीख बताने की जरूरत नहीं है उसमें, मैं जब 16 का था तो मैं करना चाह रहा था, मेरे हाथ का रहे थे, फट रही थी मेरी, क्या साल अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा मेरे मामले मेरे को मार डालेंगे कि दिनेश तुमने ये किया क्या। लेकिन यकीन मानना शुरुआत करी थी, और आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है यार कि आज हूं कहां पर। मैं गया दोस्तों के पास, मैंने बताना शुरू किया कि चल अपन मिलकर ईवीएस करते हैं। तो मैंने दोस्तों को बताया कि देख ऐसा ऐसा है ईवीएस का प्लान, चल मिलकर शुरू करते हैं अपन। मेरे दोस्त बोलते ये ला, ये बता ये करेगा दिनेश तू ला, बोलता अबे ये सब करने से सक्सेस नहीं मिलती। मतलब क्या करना समझती है, तेरा एजुकेशन तो पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा है, कहा ध्यान का दे रहा है तू, मतलब कैसे बता एजुकेशन से कामयाबी मिलती है। मतलब अच्छा ऐसा होता है, अगर एजुकेशन से कामयाबी मिलती होती तो कॉलेज के बाहर सीसीडी या फिर मैकडी नहीं होता, वहां पर मर्सिडीज या फिर बीएमडब्ल्यू का शुरू होता, और वहां पर पढ़ाई होने के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद वहां पर बोली लगती होती कि CA 1 CA 2, पीछे से इंजीनियर आता, इंजीनियरिंग 1 इंजीनियरिंग 2, फिर पीछे से एक आता MBA कि सर मैं MBA ग्रेजुएट हूं, MBA 1 MBA 2 MBA 3, ये मर्सिडीज की चाबी आपकी। ऐसा होता है क्या? एजुकेशन से नहीं होता। मैंने दूसरे दोस्त को बताया कि चल यार चल मिलकर अपन शुरुआत करते हैं। मेरा दोस्त बोलता है ये इससे सब नहीं होता यार, ये सारी चीजें करने से नहीं होता। बोला किससे होता, किससे? फिर वो बोलता है एक इंसान का मेहनत होना, मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बात तो करो मैं बोली तुम्हें मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात बता यार, कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर वो मजदूर वो तो अपने से ज्यादा मेहनत कर रहा है यार, लेकिन वो तो मेरे पापा से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कमा रहा, बरोबर बात? वो तो जान हथेली पे रख के चल रहा, अगर एक बांबू के ऊपर से अगर उसका पैर स्लिप हो गया वो मर जाएगा यार। ठंडी के टाइम के ऊपर भी उसको जाना रहता है कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर, अगर बारिश हो फिर भी उसको काम करना रहता है, गर्मी हो फिर भी उसको काम करना होता है। तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, तो फिर किससे होता है, तो फिर होता किससे? एटीट्यूड, सोच अपनी बड़ी होनी चाहिए। कहते हैं ना एटीट्यूड डिसाइड्स एन एल्टीट्यूड, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। जिंदगी के अंदर अपनी बड़ी सोच होनी चाहिए। मैंने शुरुआत करी, मैंने फटाफट डीडी बनाया, मैंने दोस्तों को बताने की शुरुआत करी, कहानी आगे बढ़ी। मैं मात्र 16.5 साल का था, 16.5 की एज थी, courtesy EVS.com प्राइवेट लिमिटेड और मेरे अपलाइंस का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। दोस्त बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है, मैंने फटाफट काम करने की शुरुआत करी, मैंने 50 परिवारों तक इस मिशन को पहुंचा। और जैसे ही आप 50 परिवारों तक इस मिशन को पहुंचाते हो, आपको आपके साथ ईवीएस के अंदर एक रिवॉर्ड आपको मिलता है। रिवॉर्ड के तरह ही था मेरे लिए वो, मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। इतनी छोटी सी गैदरिंग है, एक बड़ी सी गैदरिंग थी, 550 लोग आए हुए थे उस ऑडिटोरियम के अंदर। एंड उस 550 के ऑडिटोरियम के अंदर मैं नया नया सिल्वर बना था। जैसे ही आप नए नए सिल्वर बनते हैं आपके साथ, आप जैसे ही आप नए नए सिल्वर बने ना विकास जी, आपके साथ एक रीति रिवाज होता है, क्या पता है? आप अपने मॉम डैड को ना स्टेज के ऊपर लेके आ सकते हो सर, और खुद के दम के ऊपर 1,00,000 रुपए की बाइक खरीद चुका था, एवेंजर 150। अच्छा फोटो है, लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे ये तो। मैं तो सेकंड के लिए खुद के दम के
करना 17 साल की उम्र में, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक दो लोग निकलेंगे यार एक दिन के अंदर कितने पिक्चर देखे सर थिएटर के अंदर एक ही दो कोई किसी ने दो देखी थी किसी ने तीन देखी चार चार पिक्चर देख रहे थे हम लोग एक दिन के अंदर मतलब इतनी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी ऐसलवल एक बार गए हम लोग और सिर्फ दो दोस्त मैं और अमित जी जो आज ईवीएस के अंदर है फर्स्ट डे के ऊपर हम लोग एसलवल गए सुबह सुबह समर वेकेशन था उस टाइम के ऊपर 10 जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हमने दोस्तों को फोन लगाया कि चल यार अपन रिटर्न चलते कल के दिन के ऊपर एसलवल मतलब दो तीन दिन कंटिन्यूस एसलवल के अंदर थे ह
दम के ऊपर चल रही थी। एक ईबिस ने मौका दिया खुद के दम के ऊपर कुछ करके दिखाने का, यकीन मानना उस टाइम के ऊपर फुटबॉल समझ के उसको लात नहीं मारा, उसको ग्रैब किया। और आज मैं ये तो सब बहुत जूनी पुरानी अचीवमेंट हो गई है, मैं 18 का हुआ, मेरा लाइसेंस भी है, आज भी नहीं है मेरे पास लाइसेंस। मैं 18 का हुआ उस टाइम के ऊपर मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया था अपना, एंड 18 साल की उम्र में 7th of Feb 2017 मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट। 22,000 रुपए मैंने सर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करे, मेरी टिकट बुक हुई। और यकीन मानना दोस्त, वो जब टिकट बुक हो रही थी ना, वो फ्लाइट की टिकट थी, मैं 18 साल की उम्र में फ्लाइट में बैठा था सर। ईबीएस के पहले कभी मौका ही नहीं मिला फ्लाइट में बैठने का, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, आज बहुत सस्ती ट्रिप है यार, 2,000 रुपए के अंदर आप दिल्ली घूम के यहाँ पर दिल्ली जा सकते हो, 1,500 के अंदर, मतलब 3,000 के अंदर आप रिटर्न दिल्ली से यहाँ पर आ भी सकते हो, तो पैसा बड़ी डील नहीं थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला बैठने का। यकीन मानना दोस्त, 18 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था, और दोस्त वो फ्लाइट डायरेक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे थे, वो भारत के कई अलग अलग स्टेट के अंदर जाकर लैंड नहीं किया, उसने उसने डायरेक्ट UAE दुबई के अंदर जाकर लैंड किया था मात्र 18 साल की। जो टूरिस्ट लोगों का विजिट होता है वो 122nd फ्लोर के ऊपर विजिट होता है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यकीन मानना दोस्त, जब 122 फ्लोर के ऊपर जाके जब सेल्फी क्लिक कर रहा था ना, दिल के अंदर सुकून मिल रहा था कि यार उस टाइम के ऊपर मेरे को प्रॉब्लम याद नहीं आ रही थी कि यार 16,000 के लिए क्या दिक्कत आई थी यार 16 साल की उम्र में, उस टाइम के ऊपर ये याद आ रहा था कि यार अच्छा हुआ जल्दी से डिसाइड किया और शुरुआत करी। यकीन मानना दोस्तों, फीलिंग बहुत जोरदार थी। दुबई के अंदर हम लोग 7 दिन थे, फर्स्ट डे हम लोग डेजर्ट सफारी गए थे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ ये डेजर्ट सफारी बहुत इंजॉय। नेक्स्ट फर्स्ट डे हम लोग डेजर्ट सफारी में थे, सेकंड डे हम लोग बुर्ज खलीफा गए थे, थर्ड डे के ऊपर हम लोग ने बुर्ज अल अरब होटल विजिट किया था। और बुर्ज अल अरब होटल क्या ही है, ध्यान यहाँ पे दे, मैं प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। थर्ड बुर्ज अल अरब होटल दोस्त, अब ये क्या है, अगर इसकी बात करी जाए ना दोस्त, पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही 7-स्टार होटल है, सिर्फ एक ही है। एंड अगर उसकी बात करी जाए, अगर आपको उसके अंदर एंटर भी करना है ना, आपको कुछ ना कुछ तो ये करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको या तो डिनर करना पड़ेगा या फिर कॉफी पीनी पड़ेगी या फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मल बात करी जाए चाय की, तो वहां पर 10,000 रुपये आपको चाय का पे करना पड़ता है, मतलब 500 दिरहम उधर के करेंसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इंडियन करेंसी 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है अगर आपको नॉर्मल चाय पीनी है तो। हम लोग शाम के टाइम के ऊपर गए थे, और यकीन मानना दोस्त, हम जब गए थे ना, हम लोग लिमोसी के अंदर गए थे, लिमोसी मतलब बदमाश कंपनी, आपने मूवी देखी रहेगी, वो लंबी सी गाड़ी दुबई के अंदर स्टैंडिंग लिमोसी आपने कभी देखी नहीं रहेगी। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मैं देख के एकदम चकरा गया था, यार क्या ही है, आप उसमें खड़े रहकर डांस भी कर सकते हो, हाँ ये स्टैंडिंग लिमोसी। हम लोग टोटल 26 लोग गए थे, 26 स्पेशल हम 26 लोग गए थे इस
होटल के अंदर हमने इस गाड़ी से विजिट किया था, यकीन मानना दोस्त, जब हम लोग विजिट कर रहे थे ना, फीलिंग बहुत अनमोल थी, बहुत बड़ी वाली पिच थी। हमने एंटर किया शाम के टाइम के ऊपर, उधर की जो लिफ्ट है ना वो भी गोल्ड प्लेटेड पूरी लिफ्ट है, बहुत खतरनाक है व्यू उधर का। आप अगर अंदर होटल के अंदर एंटर करोगे तो होटल के अंदर एंटर करते ही आपको उधर एक अलग मरीन लाइन मिलेगा। मरीन लाइन देखा आपने, पूरा पत्थर वत्थर रखा रहता है, सेम टू सेम वैसा आपको अंदर जाके व्यू मिलेगा। उस होटल के अंदर की अगर बात करी जाए दोस्त, हम लोग वहाँ पर शाम के टाइम के ऊपर गए थे, स्नैक्स खा के, हम लोग मॉकटेल भी किया हमने थोड़ा सा, हमने वहाँ पर डिनर ब्रेकफास्ट भी हमने किया, वहाँ पर लंच भी किया हमने। यकीन मानना दोस्त, वो जो फीलिंग थी ना, बहुत जोरदार फीलिंग थी, 18 साल की मैंने महसूस कर चुका हूँ। कहानी आगे बढ़ी, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर गए थे फरारी वर्ल्ड, हमने विजिट किया था फरारी वर्ल्ड। मतलब कहा जाता है कि 240 की स्पीड के ऊपर फरारी भागती है, एंड वहां पर एक राइड बनाई हुई है, फरारी रोलर कोस्टर टाइप की राइड बनाई हुई है। यकीन मानना दोस्त, वो जब शुरू होती है ना, वो 30 सेकंड के अंदर अंदर ना सर, वो राइड कंप्लीट भी हो जाती है, आधे मिनट के अंदर वो राइड कंप्लीट भी हो जाती है। और शुरुआत होती है 240 की स्पीड पे, शुरुआत 240 की स्पीड पे होती है, और आधे सेकंड के अंदर अंदर, आधे मिनट के अंदर अंदर वो राइड कंप्लीट भी हो जाती है। और मैं बता नहीं सकता, जो आगे बैठता ना उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो राइड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फरारी वर्ल्ड का, ये सारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। यकीन मानना तो 18 साल की उम्र में ये सारी चीजें हमने कर, और ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें हासिल करी हुई है। लेकिन जब बात आती है कि यार हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हो पाई, ये हो भी पाई मेरे अपलायंस के कारण, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, स्टार्टिंग विद पवनी चौधरी मैम, जिन्होंने मुझे लेकिन जिंदगी के अंदर अच्छा, उस लड़की ने मुझे एक मौका दिया, एंड आज अच्छी संगति के अंदर, अच्छे फ्रेंड सर्कल के अंदर हूँ। ईबीएस की अगर बात करूँ ना दोस्त, या का फ्रेंड सर्कल ऐसा कहा जाता था, जब मैंने ईबीएस ज्वाइन किया था ना, तो मेरे दोस्त